हेलो, मैं श्वेता सिंह एंड वेलकम टू चैनल मस्ती, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी और सोशल मीडिया से जुड़े सारे अपडेट्स। तो आइए जानते हैं फिल्मी जगत में आज क्या कुछ है खास। टॉप 5 न्यूज ऑफ बॉलीवुड, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी वीडियोज आप तक पहुँच सके सबसे पहले। बिग बॉस 13 अब खिलाड़ी और भूतों में होगी भिड़ंत। बिग बॉस का 13वां सीजन जल्द ही टेलीकास्ट होने वाला है और इस सीजन में बहुत कुछ होगा खास। साथ ही आपको यह भी बता दें, बीते दिनों एक सर चकरा देने वाली खबर आई थी कि शो में लेडी बिग बॉस की आवाज़ गूंजेगी। ऐसा बॉलीवुड के इतिहास में पहली बार होगा। जब दर्शकों को लेडी बिग बॉस की आवाज़ सुनने को मिलेगी, हालांकि मेकर्स ने इसका आधिकारिक घोषणा अभी नहीं किया है। अभी तक बिग बॉस के रूप में अतुल कपूर की ओरिजिनल आवाज़ सुनते थे। और इतना ही नहीं, इस बार शो में हिस्सा लेने वाले कंटेस्टेंट के काफ़ी पसीने छुड़ाए जाएंगे, क्योंकि इस बार उन्हें इंस्ट्रक्शंस भी मिलेंगे। और बिग बॉस लवर्स को यह भी बता दें कि बिग बॉस का 4 हफ्ते में समाप्त होने की बात प्रोमो में कही गई है। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया था, इसमें कई सारे ट्विस्ट भी शामिल होंगे। मेकर्स ने शो को शुरुआत से ही इंटरटेनिंग बनाने के लिए कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स प्लान कर लिए हैं। पिंक विला के सूत्रों के हवाले से बताया है कि कंटेस्टेंट को 2 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। हर ग्रुप्स में कम से कम 6 लोग होंगे। दोनों ग्रुप्स में नाम प्लेयर्स और घोस्ट होंगे। दोनों ग्रुप्स के लोग एक दूसरे से अनजान होंगे। सुनने में यह भी आया है कि घोस्ट टीम में जो 6 लोग होंगे, उसमें मेघना मलिक, पवित्रा पुन्या और महिका शर्मा होंगे। वहीं प्लेयर्स टीम में देवलेना भट्टाचार्जी, रश्मि देसाई, दयानंद शेट्टी, राजपाल यादव और सिद्धार्थ शुक्ला नजर आएंगे, क्योंकि इस बार कंटेस्टेंट इतने मज़ेदार आ रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि शो देखने में भी बहुत मज़ा आने वाला है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि पहली बार बिग बॉस का पहला एलिमिनेशन सलमान खान खुद करेंगे। और इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस बार शो जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही टफ भी है। साथ आपको यह भी अपडेट दे दे कि बिग बॉस का प्रीमियर एपिसोड 29 सितंबर को रात 9 बजे टेलीकास्ट होगा। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही ड्रीम गर्ल ऑनलाइन लीक हो गई है। ड्रीम गर्ल रिलीज होने के बाद से ही बम्पर कमाई कर रही है। जहां फिल्म को हर जगह तारीफ मिल रही है, वहीं अब फिल्म के लिए एक बुरी खबर आ चुकी है। फिल्म ऑनलाइन लीक हो चुकी है। फिल्म को पायरेसी वेबसाइट तमिल रॉकर्स पर लीक किया गया है। रिपोर्टर्स के अनुसार फिल्म टॉरेंट वेबसाइट पर मौजूद है। आयुष्मान खुराना और नुसरत भरोचा स्टारर फिल्म ड्रीम गर्ल की पूजा का जादू चल गया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत के साथ पहले दिन जहां 10 करोड़ रुपए की कमाई की थी, वहीं दूसरे दिन कलेक्शन 63% का इजाफा हुआ है। ड्रीम गर्ल की कमाई 26.47 करोड़ हो गई है। ट्रेंड एनालिस्ट तरण के अनुसार फिल्म तीसरे दिन मार्जिन बनाकर बाकी 2 दिन के कलेक्शन से आगे निकल सकती है। फिल्म महानगरों में अच्छा बिजनेस कर रही है, लेकिन लीक होने की वजह से आने वाले दिनों में फिल्म की कमाई पे असर पड़ सकता है। सामने आई शकुंतला देवी ह्यूमन कंप्यूटर। हाल ही में रिलीज मिशन मंगल से जोरदार वापसी कर चुकी विद्या बालन अपने अगले प्रोजेक्ट पर जुट गई हैं। यह ह्यूमन कंप्यूटर नाम से मशहूर रही शकुंतला देवी की बायोपिक है, जिसका टाइटल शकुंतला देवी ह्यूमन कंप्यूटर तय किया गया है। और ये ताज़ा लुक मस्ती पे आपके लिए सबसे पहले दिखाई जा रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि शकुंतला देवी के पिता
सर्कस में काम किया करते थे। 3 साल की शकुंतला को कार्ड्स ट्रिक सिखाने के दौरान उन्होंने उसके नंबर याद करने की एबिलिटी को पहचाना और सर्कस छोड़कर शकुंतला के टैलेंट के बल पर रोड शो करने लगे। वे वहाँ उनकी कैलकुलेशन एबिलिटी दर्शाया करते थे। बेटियों और बॉयफ्रेंड रोमन शॉल के साथ सुष्मिता सेन की लेटेस्ट फैमिली तस्वीर सभी का दिल चुरा रही है। जी हाँ, अपनी अदा और खूबसूरती से सबके दिल पे राज करने वाली सुष्मिता इन दिनों अपनी 2 खूबसूरत बेटियों रैनी और अलीशा के साथ बॉयफ्रेंड रोमन शॉल के साथ छुट्टियों का लुफ्त उठा रहे हैं। लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर रहने के बावजूद अभिनेत्री अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने फैंस को अपने साथ जोड़े रखती हैं और अपनी फैमिली वेकेशंस के छींके बार बार देती रहती हैं। हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर सुष्मिता ने अपने बेटियों और रोमन के साथ एक खूबसूरत फैमिली फोटो पोस्ट की है, जिसके बाद वह फिर से चर्चे में आ गए हैं। सुष्मिता 2015 में आई बंगाली इंडियन ड्रामा फिल्म में नजर आई थी, जो श्रीजीत मुखर्जी द्वारा डायरेक्ट की गई थी। अपनी शादी में शाहरुख खान को देखकर निराश हो गई दुल्हन। ऐसा भी कभी हो सकता है क्या कि किसी की शादी में बॉलीवुड के बादशाह आए और दुल्हन निराश हो जाए? आखिरकार ये मामला है क्या, आइए जानते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान जल्द ही एक विज्ञापन में ईशा तलवार के साथ नजर आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक शाहरुख खान और ईशा ने एक विज्ञापन शूट किया है, जिसमें ईशा दुल्हन के किरदार में नजर आएंगी। विज्ञापन का कॉन्सेप्ट ये बताया जा रहा है कि शाहरुख की मौजूदगी के चलते दुल्हन बनी ईशा असहज हो जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शाहरुख के आने से उनका चर्म तकरीबन ख़त्म हो जाता है। बताया जा रहा है कि ये एक बैंक का विज्ञापन होगा। हालांकि वीडियो का एड अभी सभी के सामने आया नहीं है, मगर कहा जा रहा है कि इस विज्ञापन में शाहरुख खान अपने चार्म का मैजिक दिखाते नजर आएंगे। ईशा तलवार फिल्म आर्टिकल 15 के प्रीमियर के मौके पर शाहरुख खान से पहली बार मिली थी। यह उनके लिए एक फैन मूवमेंट था और इसका तस्वीर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा भी किया था। तस्वीर में कैप्शन में ईशा ने लिखा जोन आउट। तस्वीर में ईशा बहुत ही ध्यान से शाहरुख की तरफ देखती नजर आ रही हैं और शाहरुख सामने कैमरे में देख रहे हैं। इस फनी तस्वीर को खूब लाइक और शेयर किया गया था। जहां तक बात है शाहरुख के फ्रंट वर्क की, तो जीरो के बाद उन्होंने अभी तक कोई भी फिल्म साइन नहीं की है। इन दोनों वह अपना ध्यान प्रोडक्शन और बिहाइंड द कैमरा वर्क में लगा रहे हैं। अमिताभ और तापसी पन्नू को कास्ट करके उन्होंने बदला मूवी बनाई थी और अभी उनकी अपकमिंग वेब सीरीज बार्ड ऑफ ब्लड काफ़ी चर्चे में है। इसमें इमरान हाशमी ने अहम किरदार निभाया है। तो आज के लिए बस इतना ही है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल मस्ती और मुझे दीजिए इजाजत, और कमेंट कर जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो। सब्सक्राइब करें चैनल टेक मस्ती, हिट द बेल बटन एंड गेट द नोटिफिकेशन।